Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today this is our lecture number 3 and our chapter is 6, subject general knowledge. I am Afifa Yunus to present you this lecture. Today our topic is conservation of natural resources. What does conserve resources means? ठीक है कि इस चैप्टर में हमारे जो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. इस चैप्टर में हम ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. हाउ ह्यूमंस चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट. Define the term pollution. Types of pollution. Effects of decreasing natural resources. Ways to save resources. Endangered animals. And the last one is extinct animals. इस चैप्टर में हम ये तमाम पॉइंट्स पढ़ेंगे. Natural environment. Our chapter name is conservation of natural resources. ठीक है, conservation of natural resources का मतलब क्या है? Conservation means तहफ़्फ़ुज़, natural resources means कुदरती वसाइल. मतलब कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको protect करना किसी भी तरह के disaster से, लॉस से या डेंजर से. हमें अपने कुदरती वसाइल को प्रोटेक्ट करना है. नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम उर्दू में बोलेंगे कुदरती माहौल. जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला के बनता है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिक्रीजेस द साइज ऑफ फॉरेस्ट. जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, हमारा साइज फॉरेस्ट के डिक्रीज होते जाएंगे. नीड्स हमारी बढ़ती जाएंगी, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो डिक्रीज आता जाएगा. ह्यूमंस कट ट्रीज एंड चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट. अपनी नीड पूरी करने के लिए ह्यूमंस जो है वो ट्रीज को कट करेंगे और इससे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाएंगी. ठीक है, पॉल्यूशन. Addition of harmful matter into the natural environment is called pollution. हमारे natural environment में ऐसी harmful matters अगर add हो जाएंगी, यानी कि ऐसे नुकसानदेह मामूलात अगर हमारे natural environment में add हो जाएंगे, उससे pollution create होगी. ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच वी विल डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज नॉइस पोल्यूशन. सेकंड वन इज वाटर पोल्यूशन. थर्ड वन इज एयर पोल्यूशन एंड फोर्थ वन इज लैंड पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन. High level of unpleasant sounds is called noise pollution. ठीक है, ऐसी sounds जो कि unpleasant होती हैं, हमें नहीं पसंद, जब वो बहुत ज़्यादा उनकी volume होती है, high level पर होती है, तो ऐसी sounds से noise pollution create होती है. ठीक है, it gives rise to mental disturbances. इससे हमारी मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है,
like sounds of loudspeakers, horns, loud music, etc. Loud speakers की sounds, horns की without any need, जब horns बजते हैं तो उनकी sound बहुत unpleasant लगती है, तो इससे noise pollution create होती है. Loud music, ठीक है, ऐसे बहुत सी कार्स होती हैं कि उनमें म्यूज़िक बहुत लाउड लगा होता है, या हमने अपने घरों में भी बहुत लाउड म्यूज़िक लगाया होता है, तो इससे हमारी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है. देन वी हैव वाटर पोल्यूशन. पोल्यूटेड वाटर लीड्स टू स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. जब हमारा वाटर पोल्यूटेड होगा, गंदा होगा, तो वो बहुत सी डिजीज़ को स्प्रेड करेगा, ठीक है, फैलाएगा. तो हमें चाहिए कि हम अपने वाटर को पोल्यूट ना करें, लाइक गारबेज, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. जब इस तरह की चीज़ें हमारे वाटर में डाली जाएंगी, फेंकी जाएंगी, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारी डिजीज़ स्प्रेड होंगी और फिर इससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा. एयर पोल्यूशन, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ लिटर एंड फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन. व्हीकल्स से निकली गई स्मोक, बर्निंग ऑफ लिटर, गार्बेज वगैरह को जब जलाया जाता है उससे जो धुआं निकलता है, एंड स्पेशली फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें ये हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन है. द लास्ट वन इज़ लैंड पोल्यूशन. ओपन डिस्पोजल ऑफ गारबेज कॉजेज लैंड पोल्यूशन. ठीक है, जब हम खुलेआम अपना गारबेज को फेंक देते हैं ज़मीन पे, तो इससे हमारी लैंड पोल्यूशन क्रिएट होती है. ठीक है, हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली उसको बिन में फेंकें. जब हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत से ऐसे डस्टबिन्स देखे हैं कि उनके पास गारबेज गिरा होता है. हम जब इतनी मेहनत करके उस गारबेज तक, बिन तक पहुंच जाते हैं कि हम गारबेज को वहाँ फेंक दें, तो थोड़ी सी और एफर्ट करके आप बिन के अंदर गारबेज फेंक दें, ठीक है, तो इस तरह करने से हमारे हमारी लैंड पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगी, हमारे एनवायरनमेंट नहीं गंदा होगा. देन वी हैव इफ़ेक्ट्स ऑफ डिक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, अक्सर पढ़ते हैं जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं. ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेस. ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस पर. ठीक है, हमारे जो कुदरती वसाइल होते हैं हम उस पर डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड अपॉन देम फॉर देयर फूड, ऑक्सीजन, क्लोथ्स, हाउसेस एक्सेट्रा. वो उन पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्लोथ्स, हाउसेस एक्सेट्रा. इफ़ दीज रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट. अगर ये रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या ये कम होने लग जाएंगे, तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, क्रॉप्स वुड नॉट बी ग्रोन विदाउट वाटर. दिस वुड लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड विल रिज़ल्ट इन फैमिन. क्रॉप्स जो हैं वो पानी के बगैर नहीं ग्रो कर सकती. ठीक है, अगर जब क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगी तो फिर इससे क्या होगा कि फूड का शॉर्टेज हो जाएगा और फिर कहत आ जाएगा. तो और ये सब किस लिए होगा कि जब वाटर नहीं होगा. ठीक है, अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में वाटर नहीं होगा तो उससे हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी और हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन फैमिन. देन वी हैव डिप्लीशन ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस वुड कॉज शॉर्टेज ऑफ एनर्जी. अगर हमारा कोल, ऑयल एंड गैस नहीं होगा, जिसकी वजह से एनर्जी में शॉर्टेज आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा हो पाएगी और ना हमारी हीट होगी, जैसे हमारे चूल्हे या हमारे हीटर्स वगैरह ऑन होते हैं. ठीक है, उसमें डिक्रीज आ जाएगा.
देन वी हैव इफ ट्रीज आर कट देयर विल बी फ्लड्स. ठीक है, अगर ट्रीज को काट दिया जाएगा तो फिर फ्लड्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ट्रीज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो कि फ्लड्स को रोकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट और सेव समथिंग बाय यूजिंग इट वाइजली. ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है कि सेव और प्रोटेक्ट बाय यूजिंग इट वाइजली, ध्यान से हम उसको सेव करें, उसे यूज़ करें ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो. ठीक है, डिक्रीज ना हो सके वो. जस्ट लाइक सेव वाटर, फर्स्ट रिसोर्स हमारा वाटर, कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं. डू नॉट थ्रो रबिश इनटू वाटर बॉडीज, क्या हम अपना रबिश कूड़ा जो होता है उसको हम वाटर बॉडीज में ना फेंकें, इससे हमारा पानी ज़ाया नहीं होगा. ठीक है, यूज़ आ वाटरिंग कैन इंस्टेंट ऑफ पाइप टू वाटर प्लांट्स. अच्छा, वाटर कैन को यूज़ किया जाए इंस्टेंट ऑफ पाइप, यानी कि प्लांट्स को पानी देने के लिए आप वाटर पाइप्स की जगह वाटर कैन यूज़ करें, इस तरह हमारा वाटर कम यूज़ होगा और ज़ाया भी नहीं होगा. यूज़ वाटर वाइजली एट होम, अच्छा वाटर को बहुत ध्यान से घर में यूज़ किया जाए, उसको देखा जाए कि जब आप टैप को यूज़ कर चुके हो तो वो सही तरह से टाइटली बंद हो. ठीक है, इससे भी हम अपने वाटर को सेव एनर्जी, एनर्जी को हम कैसे सेव करेंगे. यूज़ अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज विंड, सोलर एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के अल्टरनेट सोर्सेज को यूज़ करें, जैसे कि विंड, सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यूज़ किया जाए. सेकंड इज यूज साइकिल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेंट ऑफ पर्सनल व्हीकल टू सेव फ्यूल. साइकिल्स को यूज़ करें एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंस्टेंट ऑफ पर्सनल व्हीकल, अपनी पर्सनल व्हीकल से फ्यूल को सेव करें, और साइकिल्स यूज़ किए आने जाने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए. थर्ड वन इज़ टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स. ठीक है, जब आप कमरे में ना बैठे हुए हों तो आपको, यानी कि आपको लाइट यूज़ नहीं करना, तो आप उसको ऑफ कर दें. ठीक है, तो इस बात को लाजमी ध्यान में रखें कि आप जब यूज़ कमरे में ना हो आपकी लाइट्स ऑफ हो. सेव एयर, properly dispose of garbage, do not burn it in open air. proper तरीके से garbage को dispose of किया जाए और इसको खुले आम जगह जगह सड़कों पर ना जलाया जाए. ठीक है, tune your vehicles on time to avoid smoke emission. अपने vehicles को जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो ही on करें, चलाएं गाड़ी, start तब करें. इससे ये होगा कि आपका जो गाड़ी से धुआं निकलेगा उससे हमारी एयर सेफ रहेगी. ठीक है, जब आपको गाड़ी चलानी हो तो ही आप उसको स्टार्ट करें, अदरवाइज उसको बंद कर दें. प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन, जितने हो सकता आप प्लांट्स को लगाएं. ठीक है, अपने लॉन्स में, स्ट्रीट्स में, गार्डन्स में ट्रीज को प्लांट करें, क्योंकि ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल. देन वी हैव इनडेंजर्ड एनिमल्स. इनडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खतरे से दो चार होते हैं. ठीक है, यानी कि उनको खतरा होता है हमसे कि वहां से उनको ख़त्म कर दिया जाएगा. एनिमल्स लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. एनिमल्स आर एट द रिस्क ऑफ डिसअपीयरिंग फॉर एवर. दीज आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स जो है वो हैप्पीली अपनी नेचुरल हैबिटेट्स में रह रहे होते हैं,
लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से। तो फिर उन एनिमल्स का हमें हमेशा के लिए ख़त्म होने का रिस्क होता है कि वो वहाँ से चले जाएंगे, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मारखोर, माउंटेन वीजल, इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, स्नो लैपर्ड, मार्को पोलो शीप एक्सेट्रा। माखोर इज़ आवर नेशनल एनिमल। माउंटेन वीजल, माउंटेन वीजल को हम उर्दू में पहाड़ी नेवला भी कहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक नेवला टाइप होता है ये, इसकी शेप। ये आपकी बुक की पेज नंबर 55 पे इन एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, आप वहाँ से इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडस रिवर में होती है, डॉल्फिन ये वहाँ पे होती है, पाई जाती है रिवर में। वेज टू प्रोटेक्ट इनडेंजर्ड एनिमल्स। अच्छा, डिफरेंट हमारे वेज की हम कौन से वेज यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इनडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द वेज टू प्रोटेक्ट देम। वी शुड स्टॉप इलीगल हंटिंग ऑफ इनडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, इलीगल शिकार ना किया जाए एनिमल्स का। प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ इनडेंजर्ड एनिमल्स। उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो है जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। वी शुड इन्हेंस द नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट इनडेंजर एनिमल्स अमंग लोकल पीपल। ठीक है, जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे वहाँ के लोगों को इनके बारे में नॉलेज दिया जाए, उन्हें अवेयरनेस दी जाए इन एनिमल्स के बारे में, ताकि वो इनकी केयर कर सकें, इनको प्रोटेक्ट करें। एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स लिव्ड ऑन अर्थ बट आर नो मोर देयर, देयर रेस हैज़ एंडेड। ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पे ही रहते हैं मगर अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी जो रेस है वो एंड हो चुकी है, यानी कि अब वो सर्वाइव नहीं करते। एग्जांपल्स आर डायनासोर्स। आप बहुत अच्छी तरह डायनासोर्स को आप लोग को पता है, बहुत सी मूवीज़ हैं डायनासोर्स में बनी हुई। डोडो बर्ड, डोडो बर्ड इज़ लाइक जस्ट कबूतर पिजन से ना मिलती जुलती ऐसी ये बर्ड होती है। आप इसको देख के आपको फर्स्ट टाइम में लुक आएगी जैसे ये पिजन है। ठीक है, तो ये जो है मॉरिशियस के आइलैंड पे होती थी, लेकिन अब क्योंकि दे आर नो मोर देयर, और अब वो ये वहाँ सर्वाइव नहीं करती। गोल्डन टोड, गोल्डन टोड इज़ लाइक गोल्डन टाइप का फ्रॉग होता है, फ्रॉग टाइप इसकी फिगर है, तो ये भी अब नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन बर्ड्स की भी आप पिक्चर और इसकी आप अपनी बुक के पेज नंबर 56 पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें डिफरेंट टॉपिक्स थे जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़े। वी हैव आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। Natural environment is made up of all living and non-living things naturally found on earth. ठीक है, natural environment जो है वो बनता है और तमाम living और non-living things से जो कि naturally इस ज़मीन पे मौजूद है। Question number 2 is describe two ways human beings have changed the natural environment. ऐसे two ways बताएं जिससे ह्यूमन बींग्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करें। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिक्रीजेस द साइज ऑफ फॉरेस्ट। एंड सेकंड वन इज ह्यूमंस कट ट्रीज एंड चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सजेस्ट टू वेज टू प्रोटेक्ट इनडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, टू वेज बताएं जिससे हम इनडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेज टू प्रोटेक्ट द इनडेंजर्ड एनिमल्स आर
We should stop illegal hunting of endangered animals. कि हम illegal hunting जो है endangered animals की stop कर दें. Second is protect the natural habitats of endangered animals. ठीक है, natural habitat किया जाए. Question number 4 is how can you save the natural resources? We can save it by using water wisely. पानी को ध्यान से use करें. इस तरह हम natural resource को save कर सकते हैं. By planting trees, by saving energy. Question number 5 is can we live on earth if all the natural resources are used up? Give at least one example. The answer is we cannot live if all the natural resources are used up. For example, if there is no trees on earth, we can't take breath, no more oxygen, and we cannot make shelter for our living. ठीक है, अगर natural resources तमाम यूज़ हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम ना सांस ले सकेंगे, ना हमारे पास ऑक्सीजन होगी, और हम अपने लिविंग के लिए शेल्टर भी नहीं यूज़ कर सकते जो कि ट्रीज के ज़रिए ही हम लेते हैं. तो अब आई थिंक आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और हमारा टॉपिक भी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको बच्चों समझ आ चुका होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.